आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम वाला 247 के अंदर। गाइस, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है राजस्थान के वन और वनस्पति। इसके कुल मिलाकर लगभग 180 से 200 क्वेश्चंस हम करेंगे। आज ये पार्ट फर्स्ट है, इसके अंदर हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और करते हैं क्वेश्चंस को। गाइस, उसके पहले मेरी एक रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम 1% क्षेत्र है? तो न्यूनतम में सबसे पहले आएगा जैसलमेर, फिर आएगा चूरू, तो सेकंड नंबर पर चूरू आता है। ठीक है, तो चूरू यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है, तो कत्था निकाला जाता है खैर वृक्ष से, जो मिलते हैं अपने चित्तौड़ उदयपुर के अंदर मैक्सिमम मिलते हैं, उदयपुर में ज़्यादा मैक्सिमम है ना। तो यहाँ पर आएगा खैर वृक्ष के पेड़ से क्या निकालता है? कत्था। और कथोड़ी जाति तैयार करती है हांडी पद्धति से। अगला देखते हैं। 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक सघन वन पाए जाए अलवर के अंदर। किस में पाए जाते हैं? अलवर के अंदर। तो आंसर है हमारा अलवर होगा, सिरोही प्रतापगढ़ उदयपुर कुछ भी नहीं होगा, आंसर अलवर है। फोर्थ, खेजड़ी वनस्पति की प्रजाति किन वनों में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय कंटीले, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उपोष्ण पर्वतीय। तो उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में पाई जाएगी, क्योंकि उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं मरुस्थल के अंदर, तो वहीं मिलती है ये। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक पाया जाता है? तो वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल है भैया उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर। तो करेक्ट आंसर इज उदयपुर। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा युग्म कत्था का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो अभी मैंने बताया कि खैर वृक्ष से कथोड़ी जनजाति कत्था तैयार करती है, ये कत्था पाया जाता है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। सिक्स का करेक्ट आंसर क्या है? बी। सेवन देखते हैं। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो कुल वन क्षेत्र है 32,863 वर्ग किलोमीटर, ये किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ये हमारा कुल वन क्षेत्र है। और जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार टोटल वन क्षेत्र का कितना 33% भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। ठीक है, चलिए आइए। निम्नलिखित से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन नहीं पाए जाते? तो अलवर, बांसवाड़ा, बूंदी, जालोर। तो नहीं पाए जाते पतझड़ वन, कहाँ नहीं पाए जाते? जालोर में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला, राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये परियोजना चलाई जा रही है जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव एजेंसी, जिसको हम जीका कहते हैं। ठीक है, तो जीका के द्वारा ये चलाई जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जिला समूह में से किससे सालर या साल वन पाए जाते हैं? तो अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, सवाईमाधोपुर, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? तो साल वन पाए जाते हैं दक्षिण पूर्व में, तो ये मिलेंगे अपने अलवर, चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही के अंदर। ठीक है भैया, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो ये पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार देते हैं अपन 5 जून को। ओके, 5 जून इज द करेक्ट आंसर। अगला, निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? सही कथन बताने हैं आपको। मिश्रित पतझड़ वन 250 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले वनों में उगते हैं। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि तो सदाबहार वन उगते हैं इसमें, तो और सदाबहार वन भी इतना ही नहीं चाहिए अपने राजस्थान में, तो 150 तक सेंटीमीटर तक वर्षा ही होती है ना। सेकेंड, राजस्थान में वन क्षेत्र का 25% से अधिक भाग मिश्रित पतझड़ वनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, धोख, साल, बांस, खैर आदि राजस्थान के मिश्रित पतझड़ वनों में पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो बी और सी करेक्ट है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या बताना है अपने को, कौन से कथन सही है? बी और सी सही है ना, डी करेक्ट आंसर है। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वह जिला जहाँ वास्तविक रक्षित वन सर्वाधिक पाया जाता है, तो वास्तविक रक्षित वन सर्वाधिक पाया जाता है करौली में। ठीक है, तो करौली यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है? करौली। ठीक है, आगे चलते हैं। सालर के जंगल कहां पाए जाते हैं? तो मैंने अभी बताया था आपको, सालर पाया जाता है अपने लगभग उत्तरी पूर्वी भाग में।
ना, उत्तरी पूर्वी नहीं कह सकते हैं, दक्षिण पूर्वी भाग में। तो ये पाया जाएगा अपने टोंक सवाई माधोपुर, नहीं उधर सिरो, यहाँ पाया जाएगा अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिलों में। ठीक है भैया, ये करेक्ट आंसर है। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले देखो इस प्रकार याद रख सकते हो आप, जेड की आकृति बनेगी, ऐसी आकृति बनेगी, यहाँ से उदयपुर, फिर अलवर, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही। तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, सिरोही, तो अपने ऑप्शन देखो, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ पहले ऑप्शन में है, तो आंसर एक करेक्ट है अपना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में पलाश के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? देखो ये जो पलाश का वन है ना, पलाश का पेड़, इसको जंगल की आग भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर लाल फूल होते हैं। तो ये पाए जाते हैं अलवर, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद के अंदर। ठीक है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। राजस्थान में जिलों का समूह जिसमें राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग आधा आवरण पाया जाता है, तो ये आधा आवरण पाया जाता है अपना, तो यह आधा आवरण पाया जाएगा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, बारा, अलवर, सिरोही और बूंदी। तो यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, बी नहीं है, डी करेक्ट आंसर है। राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो प्रथम वन नीति घोषित की गई 2010 में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर 2010 सी होगा। सोरसन घास के मैदान किस जिले में स्थित है? सोरसन घास के मैदान मिलते हैं भैया बारा। ठीक है, बारा करेक्ट आंसर, सोरसन स्थान वही है ना, इसलिए। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं? सागवान वही पाया जाएगा जहां साल होता है, तो ये जिले हैं बांसवाड़ा, उदयपुर, दक्षिण में पाया जाएगा। ठीक है, अगला। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिण भाग में केंद्रित है, सही है। सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वालों में पाए जाते हैं, ठीक है। माउंट आबू पर उप कशनी सदाबहार, ठीक है। पश्चिम राजस्थान वन मिश्रित पतझड़ वाले वन, नहीं गलत है, तीनों सही है, एक दो तीन, तो एक दो तीन सही है, चार गलत अपना। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? तो कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है अपना उदयपुर के अंदर। ठीक है भैया, तो उदयपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ऑक्सीजोन पार्क विकसित किया जा रहा है कोटा में। ठीक है, तो कोटा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? शुष्क सागवान मिलेंगे अपने दक्षिण में, तो ये मिलेंगे बांसवाड़ा, उदयपुर के अंदर। राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो ये शुष्क सागवान वन, उपोष्ण सदाबहार, मिश्रित पतझड़ शुष्क वन, ये पाए जाएंगे सागवान वन। ठीक है, 75 से 110 में सागवान वन, जो हमारे मध्य भाग, जो मैदानी भाग है ना, वहां मिलते हैं। चलो, राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? तो ये प्रतिशत है अपना 56.43। ठीक है, सेकंड बो अपना करेक्ट आंसर है। ओके, अगला देखते हैं। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? ये चलाई जा रही है जीका के द्वारा, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी, जीका। ठीक है, ये अगला। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं? तो उष्णकटिबंधीय कंटीले वन कहाँ मिलेंगे अपने को? चूरू में मिलेंगे। ठीक है, सिरोही, क्योंकि उधर ही है ना रेगिस्तानी इलाका, तो सिरोही, बांसवाड़ा, कोटा कहीं नहीं है, चूरू में मिलेंगे। ठीक है, अगला। राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला कौन सा है जहाँ प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक मैंने बताया था ना आपको, ये वाला उदयपुर, और ये क्या है अपना अलवर, प्रतापगढ़ और सिरोही, तो अपना क्या है, सॉरी बारह है ना, तो उदयपुर करेक्ट आंसर है। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? तो राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन हुआ भैया 1991 में। ठीक है, तो वनों को पोषित करने की स्कीम थी ये, वन लगाने के 1991 में स्टार्ट हुई। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि हमारे को एक मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, धन्यवाद।